नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण केड़ी, आप देख रहे हैं इन्फोटेक तरुण केड़ी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से वही प्रिंटर ब्रदर का, जिसका मॉडल नंबर है DCP L2541DW। और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो ये ADF का फंक्शन है, जो ADF है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ये किस तरीके से काम करता है और इसको हम क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी पर आज ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल से देखिए एकदम, और क्या क्या है आपको कुछ एकदम नया सीखने को मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ADF आखिर क्या काम आता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंटर है, DCP का मॉडल मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि ये ADF जो है किस काम में आता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास में ये कुछ फोटो कॉपीज हैं, इनका हम प्रिंट आउट निकालेंगे। दोस्तों ये है फोटो कॉपी, अगर आप यहाँ से प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको बार बार चेंज करना होगा प्रिंट आउट यहाँ से। अगर आप यहाँ ADF काम में लेते हो इसके लिए, तो दोस्तों ये काम करता है कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा सा आगे का हिस्सा आगे रखना है और प्रिंट जिस तरफ से करना है आपको, जिस साइड से प्रिंट करना है उस साइड को ऊपर की तरफ रखना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा स्टार्ट बटन दबाना है सबसे। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है ये ऐसे प्रिंट निकलता है और यहाँ पे स्कैन होता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइट जल गई, इसके अंदर यहाँ पे काम करता है इसका। और इस तरीके से ये, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी, तो मैंने सबको स्टॉप कर दिया ताकि हमारे प्रिंट आउट फालतू ख़राब ना हो। तो दोस्तों ऐसे हम इसको लगाते हैं ना इस तरीके से। तो दोस्तों स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों ये प्रिंट आउट कुछ इस तरीके से निकलते हैं और ये दबा हुआ रहता है, तो प्रिंट आउट यहाँ से निकलता है, यहाँ पे स्कैन होता है और इस जगह से वापस घूम के वापस अंदर चला जाता है, इधर निकल जाता है। अभी हमने उठा के किया था तो फिर ये प्रिंट आउट यहीं निकले थे। तो मैं आपको वापस करके बताता हूँ कि मल्टी पेज हो तो हमारे पास उनको प्रिंट आउट निकालना, हमको सीधा सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाना है, ये प्रिंट आउट लेना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों आप देख रहे हो सारे प्रिंट आउट हमारे निकल चुके हैं। ये बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसने पहले स्कैन कर लिया फिर निकाल लिए सारे प्रिंट आउट जो हमारे थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि और क्या काम में आ सकता है इसके ADF। तो दोस्तों अगर आपको मल्टी पेज स्कैन करने हो तो भी ये बहुत ही तगड़ा काम करता है। दोस्तों बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप ऐसे स्कैन करने बैठोगे दोस्तों तो आपको ना बार बार यहाँ पे प्रिंट डाल के आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। ADF में ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको सीधा इनको लगाना है। यहाँ पे सेटिंग्स है, मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ इसकी। तो दोस्तों वो तो हो गई हमारी फोटोकॉपी की बात, फोटोकॉपी में बहुत काम किया, बहुत बढ़िया काम किया इसने। अब हम करते हैं मल्टी पेज, जो हमारे पास इतने सारे पेजेज हैं इनको सारों को एक साथ स्कैन करते हैं, सभी को एक साथ स्कैन करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पेज हमने लगा दिए, अब यहाँ पर आपको सीधा सा एक बटन देखने को मिलेगा जो कि है स्कैन का बटन। यहाँ पे हम स्कैन का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग पूछ रहा है कि सिलेक्ट यस और नो। ये देखो मैं बताता हूँ आपको ये पिक क्या आ रहा है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि ओके स्कैन टू PC, तो ये डायरेक्ट स्कैन होगा PC के अंदर। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ कि स्कैन करने के लिए आपके PC में इसका ड्राइवर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों यहाँ से हम सीधा करते हैं ओके। तो दोस्तों यहाँ से हम ओके दबा देते हैं। ओके दबाने के बाद भी ये पूछ रहा है आपको इमेज में चाहिए या OCR में चाहिए या ईमेल चाहिए या फाइल चाहिए। मैं इमेज कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहे चेंज सेटिंग, आपको सेटिंग चेंज करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। मैं चेंज करना चाहूँगा सेटिंग यस, कलर या ब्लैक एंड वाइट कलर ओके, DPI 300 ओके, ADF या JPG ADF ओके, A4 या लेटर लीगल, जो भी आपका पेज है A4 करूँगा मैं, A4 हमारे ये पेज जो है A4 है, तो A4 पे कर दिया हमने। बैकग्राउंड सेलेक्ट बैकग्राउंड ऑफ नहीं करना है इसका, रहने देना है, तो ओके करना है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, तो स्टार्ट बटन प्रेस किया हमने और ये यहाँ से स्कैन लेना स्टार्ट कर दिया। और आपको बता देता हूँ कंप्यूटर में क्या से चल रहा है, ये इस तरीके से कंप्यूटर में स्कैन हो रहा है। तो जब सारी फाइल स्कैन हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, जब सारी फाइल स्कैन हो जाएगी तो उसके बाद
दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे स्कैन होगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता दूंगा, जल्दी से करते हैं इसको ख़त्म। दोस्तों यहाँ पे काउंटिंग भी चल रही है, कितने पेजेस हुए कितने नहीं हुए, सभी चीज़ों की काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे 6 पेज हो गए, तो दोस्तों लास्ट पेज जो था हमारा वो भी स्कैन हो चुका है। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं स्क्रीन पे क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी पीडीएफ जो है खुल चुकी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो पीडीएफ। और क्योंकि मेरे पास इसके अंदर पीडीएफ रीडर नहीं डाला हुआ है इस पीसी में, तो डायरेक्ट इसने क्रोम में ओपन किया है और ये पूरी पूरी पीडीएफ बन के हमें तैयार हो गई है। कितने पेज के देख लेते हैं हम, ये देख लो दोस्तों 12 पेज की पीडीएफ इसने एक बार में ही निकाल दी, स्कैन कर दिए, जैसा था वैसा का वैसा स्कैन कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनको स्कैन कर सकते हैं आराम से। दोस्तों एडीएफ का एक और फायदा है जो मैं आपको बता देता हूँ। A4 तो चलो हो गए, बात आई जैसे कि हमारे पास लीगल पेज है, ये A4 से थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको पता है थोड़ा सा बड़ा होता है यहाँ से, तो इनको रख देते हैं साइड में। मैं आपको बताता हूँ ना, तो आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं यहाँ से इसको खोल के, क्योंकि इसकी जो ट्रे है वो हमें मिलती है एकदम A4 साइज की, ये इसके अंदर फिट ही नहीं होता है, समझ गए। इसके बाद अब इसको प्रिंट आउट कैसे करें, अगर दोस्तों आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आ रही है प्रिंट आउट की, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ट्रे है इस पे लिखा हुआ आप यहाँ पे देख लो, ये लीगल लेटर A4 तक की है, इसमें आप लीगल पेज भी आराम से लगा सकते हो इस तरीके से। इनको साइड करना होगा आपको और आराम से आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये प्लीज वेट आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, अब इसने इसको पकड़ लिया है दोस्तों, इस तरीके से ये लीगल पेज यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है अगर स्कैन करना हो तो स्कैनर भी इसका, मैं आपको बता दूँ स्कैनर जो है वो भी इसका A4 का ही है, लीगल पेज इसके अंदर आएगा नहीं। देखो दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे पास ADF वाला ऐसा प्रिंटर है, ये वाला प्रिंटर, तो हम यहाँ से इसको भी स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको स्कैन करके बताता हूँ, इसकी साइज को आपको सेट करना है इस तरीके से। बस आपको दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग है उसको थोड़ी सी चेंज करनी होगी, यहाँ पे स्कैन का बटन दबा दो, ओके, इमेज ही रहने देते हैं इसको, ओके, यस, कलर की सेटिंग नहीं चेंज करनी है हमें। अगर आप कलर की सेटिंग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं 300 DPI इसको सेलेक्ट करता हूँ, PDF की जगह इसको JPG रखता हूँ मैं, A4 की जगह इसको हम लीगल कर लेते हैं लीगल। अब ओके कर दिया, अब यहाँ पे ये बोल रहा है लास्ट हमें कि स्टार्ट बटन दबा दो स्कैन करने के लिए, तो ये स्टार्ट बटन हमने दबा दिया, अब ये ले लेगा स्कैन यहाँ से। तो दोस्तों ये है जो हमारा पेज खुल चुका है, और दोस्तों ये पेज हमारा खुल चुका है एकदम JPG, ये पेंट में खुला है अभी, और दोस्तों इस पे लिखा हुआ है इन्फोटेक अकेडमी को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों हमारे सेम साहब भी बोल रहे हैं कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। तो दोस्तों मास्क वास्क लगा के रखो, कोरोना भी गया नहीं है पूरी तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हम लीगल पेज को भी स्कैन कर सकते हैं, अगर अब आपके पास ये वाला प्रिंटर है तो ये वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे प्रिंटर। तो दोस्तों ज्यादातर लोग है ना ADF को काम में नहीं लेते, लेकिन ADF बड़ी काम की चीज है दोस्तों, बहुत ही शानदार ये काम करता है हर तरीके से, अगर आप इसको कंटिन्यू यूज में रखोगे तो बहुत तगड़ा काम करेगा, अगर नहीं भी करोगे यूज तो ये यहाँ पे डस्ट वस्ट जम के ये खराब हो सकता है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ADF किस तरीके से काम करता है, क्या क्या काम में आता है, क्या क्या सेटिंग्स है, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई है, आप इसको ट्राई करके देखो एक बार, बड़ा मज़ा आएगा स्कैन करने में, मल्टी पेज स्कैन करने में, मल्टी पेज फोटोकॉपी में। दोस्तों अगर आपके पास छोटी मोटी कोई शॉप है ई मित्र वगैरह की या कुछ भी, तो ये प्रिंटर बहुत ही तगड़ा काम करने वाला आपके लिए, फोटोकॉपी ये कर देता है आराम से।
हाँ थोड़ा लीगल पेज की थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि बार बार आपको ये लीगल पेज के लिए एडीएफ काम में लेना होगा। बाकी बहुत ही तगड़ा प्रिंटर है, आपके घर के यूज के लिए भी बहुत बढ़िया प्रिंटर है। इसकी इंक जो है, अगर आप एक बार रिफिल करा लोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको रन टाइम देगा ये। तो दोस्तों जो कुछ था मैंने एडीएफ के बारे में आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रिंटर के ऊपर मैंने एक दो वीडियो पहले ही बनाई हुई है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो क्या क्या है, किस तरीके से इसको रिफिल करते हैं, और क्या इस प्रिंटर के बारे में एक फुल रिव्यू वीडियो भी, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो बस आपको यही बताने के लिए था कि एडीएफ को हम किस तरीके से और किस किस काम में यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, आप देख रहे थे इन्फोटेक तरुण केडी, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।